नमस्कार दोस्तों, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रश्न जो भी है अध्याय 4 के जो है विद्युत, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना समय के भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है ओम, और सी में दिया है अर्ग, और डी में दिया है वोल्ट। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसमें से इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट मतलब कहलाता है, एक वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। निम्नलिखित में विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का जो विद्युत होता है उसकी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो गया बच्चों? वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम्ब। अगला क्वेश्चन में दिया है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी ऑप्शन के देखते हुए चलना है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है। ठीक है, तो इसमें विद्युत का सबसे सुचालक एल्युमिनियम है, ये एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, मतलब विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर जो होता है उसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण जो होता है क्या होता है? या तो परमाणु होते हैं, या आयन होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में है कि विद्युत बल्ब जो होता है, मतलब विद्युत बल्ब देखिए इस तरह की आकृति के लगभग होता है, और उसका तंतु जो होता है, तंतु समझ में आता है, तंतु ई वाला तंतु हो गया। ठीक है, ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, यानी विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसका नाम जो है बच्चों क्या है? टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है चलिए बढ़ते हैं। धारा मापने वाला, ठीक है, धारा मापने वाला जो यंत्र होता है, ठीक, धारा मापने वाला यंत्र किसका उपयोग होता है, यानी धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा का मतलब का पानी वाला धारा नहीं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र मतलब किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें एमीटर का, यानी अगर परिपथ कोई है, परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, उसको अगर मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में तो कौन से? तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ये सब आप लोग को याद है। तो मिली माइक्रो, तो मिली आता है 3 पर, और माइक्रो आता है कितना पर? 6 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10^-6। ठीक है, अगर 10^ केवल 6 दिया रहा था तो वो मेगा हो जाता। ठीक है, गलती हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, कौन चालक है? तो आप लोग ऑप्शन देखकर मार सकते हैं कि एल्युमिनियम, क्योंकि चीनी मिट्टी जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, अभ्रक में हो सकता है, कांच में, एल्युमिनियम में हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² / R होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि
किलो वाट घंटा मात्रक है। किलो वाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है बच्चों? किलो वाट घंटा तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक मात्रक होता है वह होता है किलो वाट घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होती है? तो भारत में जो भी जैसे कि मतलब एसी और डीसी आप लोग को पता है ना, तो ये जो ऐसे करके चलता है, ऐसे लाइनिंग चलता है, ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होती है भारत में जो मतलब इसको करने की क्षमता जो इस तरह के ऐसे जाता है, तो इसकी जो क्षमता होती है भारत में 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल जो होता है किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा बराबर होता है, किलो वाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है? एक यूनिट के बराबर नहीं, एक यूनिट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 1000, 1000 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 यूनिट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक एचपी यानी एच एक एचपी के मतलब क्या? देखिए एच से ठीक है हर्स और पी से पावर, मतलब एक एचपी बराबर होता है यानी कि एक अश्व शक्ति भी ऐसे दे देता है। और ये बहुत ही भीवी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है? यानी आवेश के जो एक क्वांटम जो होता है क्वांटम का मान कितना होता है? तो 1.6×10⁻¹ कूलम्ब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरों में विद्युत परिपथ, ठीक है, घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है। घर जो में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है किस क्रम में, मतलब बताना है कि जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है कितना मतलब होता है? तो होता है 30। ठीक है, ऑप्शन को देखिए और इसमें होता है 30,000 ओम। कितना होता है? 30,000 ओम के बराबर होता है मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 30,000 ओम के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट बटा में एम्पियर किसका सूत्र होता है? ठीक है, वोल्ट बाई एम्पियर, तो ये जो है ओम, ओम का जो ओम बराबर क्या होता है? भी बटा में ए। ठीक है, वही दिया है कि वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो दिया है क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड जो मात्रक है किसका है? आवेश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम मतलब किस पर सत्य है, लागू होता है? तो वह है केवल धात्विक चालकों के लिए। ठीक है, केवल ओम का जो नियम दिया है वो केवल धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है, नहीं तो दूसरा पर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया है कि भी समानुपाती आई जो है का नियम, भी समानुपाती आई का नियम मतलब किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो इसका आप लोगों को पता ही है कि ओम, ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती होता है किसके? आई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? ओम के जो नियम होता है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो ओम के नियम का सूत्र होता है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि आप लोग देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? तो 1.6×10⁻¹ कूलम्ब।
1.6, ऑप्शन नंबर ए जो है वही दिया है कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, 1 कूलम विद्युत आवेश जो होता है कितने प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो वह है 1.6 × 10⁻¹, 1.6 × 10⁻¹ कूलम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है कि किसी चालक के छोरों के बीच, ठीक है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाही धारा आई के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है संबंध, इसका संबंध होता है आर बराबर भी आई या भी बराबर आई आर, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको इधर उधर करके, लेकिन आर ई जो इक्वेशन दिया है, ई जो सूत्र दिया है, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर ओम प्रतिरोध वाले, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कौन, इन आर। ठीक है, कौन होगा बच्चों, इन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है 33 नंबर में किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, किसी कुंडली के प्रतिरोध, अगर कोई भी कुंडली दिया रहेगा उसका प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आर बराबर क्या होता है, भी आई। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, भी बाई आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप लोग देख के ऑप्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो इतना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, विद्युत बल्ब जो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं एक क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट मतलब विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, इसमें जो इस तरह का रहता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट किस तार का बनाता है, मतलब किसके तार का बना होता है। तो बना रहता है किसका, आप लोग को पता ही है किसका बनाता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता चाहे कहे चाहे प्रतिरोध कहे, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता कहा है, यहाँ पर ध्यान देना। अगर प्रतिरोध कहेगा तो ओम होगा, और प्रतिरोधकता अगर कह देगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ओम मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत में जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस मतलब प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव पर क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो आप लोग बस आज का इतना ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है लेकिन सभी अब न्यूमेरिकल जैसा है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।